हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप सोचते हैं कि सफलता रातों रात मिलती है तो इस भ्रम में ना रहे, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत के साथ जोखिम उठाते हैं। जोखिम का लाइफ के साथ चोली दामन का साथ है। बिना जोखिम लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ड्राइविंग सीखना है तो दुर्घटना का जोखिम लेना पड़ेगा। स्विमिंग सीखना है तो गहरे पानी में जाने का रिस्क लेना होगा। जोखिम लेने की क्षमता उत्पन्न करके ही आप उन्नति के रास्ते पर चल सकते हैं। आइए, इस बार मैं सक्सेस मंत्रा में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ जो सफल होने के लिए जोखिम उठाने से कभी नहीं डरते हैं। मैं बात कर रही हूँ री इंश्योरेंस ग्रुप के वर्क सायन हाथवे के अध्यक्ष अजीत जैन के बारे में। उनका कामयाबी का मंत्र है, जोखिम लेने वाले सफलता की अगली पंक्ति में होते हैं। अजीत जैन का जन्म 23 जुलाई 1951 में उड़ीसा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1972 में उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आज वे री इंश्योरेंस ग्रुप बर्कशायर हाथवे के अध्यक्ष हैं। उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बजाय वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वियतनाम युद्ध जैसे विषयों पर घंटों चर्चा किया करते थे। अजीत जैन ने अपने कैरियर की शुरुआत आईबीएम से किया था। उन्होंने 1973 से 1976 तक भारत में आईबीएम के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और अमरीका चले गए। यहाँ उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला ले लिया और 1978 में एमबीए की डिग्री हासिल की। अजीत जैन ने एमबीए की डिग्री लेने के बाद दूसरी बार अपने करियर की शुरुआत आईबीएम एंड कंपनी से की। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी और 1986 में वॉरेन बफेट के बर्कशायर हाथवे के साथ जुड़ गए। यहाँ वे इंश्योरेंस क्षेत्र में काम करने लगे। इससे पहले अजीत जैन को बीमा बिजनेस का कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था। वहाँ उन्हें री इंश्योरेंस ऑपरेशंस की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद तो अजीत जैन जोखिम वाले बीमा के विशेषज्ञ बन गए। अजीत जैन सबसे ज़्यादा जोखिम वाले बीमा करने के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जबकि दूसरे बीमा एजेंट इस तरह के जोखिम लेने से बचने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद देश की सबसे बड़ी इमारत सियर्स टावर का इंश्योरेंस किया गया, जो कि शिकागो में स्थित है। इस हमले के बाद दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां सॉल्ट लेक सिटी में आयोजित विंटर ओलंपिक 2002 का इंश्योरेंस करने से बच रही थी, लेकिन अजीत जैन ने इसका भी इंश्योरेंस करने का जोखिम लिया। बर्कशायर हाथवे का री इंश्योरेंस डिवीज़न आज कंपनी की तीसरी सबसे बड़ी शाखा बन चुकी है। बर्कशायर कंपनी के लिए राजस्व जुटाने के मामले में अजीत जैन स्वयं बफेट के बाद दूसरे नंबर पर है। 2001 में शेयर होल्डर्स को लिखे पत्र में बफेट ने लिखा था कि कंपनी के लिए अजीत जैन के महत्व को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते रह जाते हैं वे जोखिम नहीं लेते, जबकि जो लोग जोखिम लेते हैं वे अमीर बन जाते हैं। इसलिए जोखिम लेने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। जोखिम लेकर ही आप अमीर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, इसके लिए जोखिम उठानी पड़ती है। आप भी सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो जोखिम उठाने से ना डरें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सक्सेस मंत्रा से संबंधित वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।